हेलो एवरीवन, मैं आज आप सब लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अब कनाडा की परमानेंट रेजिडेंट बन गई हूँ। हालांकि ये न्यूज़ सुपर एक्साइटिंग नहीं है, बट हाँ, परमानेंट रेजिडेंट होने से अब मुझे फ्रीडम मिल गई है। मैं चाहूँ तो अब पढ़ भी सकती हूँ, जॉब भी कर सकती हूँ, और अगर चाहूँ तो मैं बिजनेस भी कर सकती हूँ। मेरी पीआर की स्टोरी कुछ एक साल पहले शुरू हुई और एक साल में बहुत कुछ हुआ, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों से कुछ सेकंड्स मांगूंगी आज के वीडियो के स्पॉन्सर्स के लिए। आज के वीडियो के स्पॉन्सर्स हैं स्पाइसी। स्पाइसी एक प्रोफेशनल मॉनिटरिंग टूल है जिससे आप स्मार्टफोन को ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हैं। इसके थ्रू पेरेंट्स अपने बच्चों के स्मार्टफोन की सभी एक्टिविटीज पे नजर रख सकते हैं। आपको उनके स्मार्टफोन्स की सारी कॉल्स, मैसेजेस, फोटोज, इवन की एप्स लाइक व्हाट्सएप के मैसेजेस एंड फोटोज की डिटेल रियल टाइम में मिलती रहेगी, और आप उनकी लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं। स्पाइसी की और डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करें। तो अब बात करते हैं मेरी पीआर स्टोरी की। मेरा पीआर का प्रोसेस शुरू हुआ तकरीबन 2017 में। मेरा बड़ा भैया भी कनाडा में ही रहता है, और कुछ साल पहले उन्होंने घर लिया था और वो ये चाहते थे कि हम सब लोग उन्हें विजिट करें। लेकिन मैं इंडिया में थी, अपनी जॉब में इतना बिजी थी, तो मैं इसे डिले करती रही। लेकिन फाइनली 2017 मिड में मैंने सोचा कि मुझे कनाडा जाना चाहिए, घूमने के लिए ज़रूर जाना चाहिए 15-20 दिन के लिए। और मेरे ब्रदर ने मुझे इन्वाइट भेज दिया था और मैंने अपनी विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन लगा दी। और लकीली मुझे विजिटर वीज़ा मिल भी गया, क्योंकि यूजुअली यंग एडल्ट्स के केस में विजिटर वीज़ा इतना इजीली नहीं मिल पाता, क्योंकि चांसेस ये ज़्यादा होते हैं कि वो अगर आएंगे तो यहाँ पे सेटल होने के उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन मेरे अच्छी जॉब थी इंडिया में और मेरे टाई अप्स भी थे इंडिया में, इसीलिए मुझे विजिटर वीज़ा मिल गया। सब कुछ हो गया, लेकिन तभी उसी दौरान मेरी शादी की बात भी शुरू हो गई और मेरी शादी भी फिक्स हो गई। और मेरी शादी फिक्स हुई फरवरी में, जो कि 4 महीने के बाद ही थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं एक ही बार में कनाडा जाऊँगी। तो विजिटर वीज़ा का मुझे सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये हुआ कि शादी के बाद इमीडिएटली ही 15 दिनों के बाद मैं कनाडा आ गई और मैंने अपने हस्बैंड को ज्वाइन कर लिया। यूजुअली जब आप शादी के बाद अगर आप अपना वीज़ा, स्पाउसल वीज़ा अप्लाई करते हो, तो उसको 1 साल लग जाता है। हाँ, कुछ केसेस में 6 महीने भी लगते हैं, बट मोस्टली केसेस में 1 साल लग जाता है। और शादी के बाद इतनी देर वेट करना बहुत ही लंबा टाइम होता है, तो कभी आपका स्पाउस आपको विजिट कर रहा है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस केस में मैं बहुत लकी रही कि मैं विजिटर वीज़ा पे कनाडा में आ गई। लेकिन हाँ, विजिटर वीज़ा में सिर्फ आप 6 महीने के लिए ही रह सकते हो कनाडा में। तो अब बारी आती है स्पाउसल पीआर एप्लीकेशन लगाने की। स्पाउसल पीआर एप्लीकेशन आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक होता है आउटलैंड एप्लीकेशन और दूसरा तरीका होता है इनलैंड एप्लीकेशन। आउटलैंड एप्लीकेशन आप उस केस में लगा सकते हैं जब आप कनाडा से बाहर हैं, और इनलैंड एप्लीकेशन आप तब लगा सकते हैं जब आप किसी कारण से कनाडा में हैं, या आपके पास विजिटर वीज़ा है या आपके पास वर्क परमिट है। मेरे केस में, सिंस मैं ऑलरेडी कनाडा में ही थी विजिटर वीज़ा पे, तो हमने इनलैंड एप्लीकेशन लगाई। और अब इनलैंड एप्लीकेशन में भी 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो आप वर्क परमिट इनलैंड एप्लीकेशन लगाएं या बिना वर्क परमिट के इनलैंड एप्लीकेशन लगाएं। बिना वर्क परमिट के इनलैंड एप्लीकेशन लगाते हैं जब ऑलरेडी आपके पास वर्क परमिट होता है। लेकिन मैंने अपने केस में, सेंस विजिटर वीज़ा सिर्फ 6 महीने के लिए ही वैलिड होता है और मेरा विजिटर वीज़ा अगस्त में एक्सपायर हो रहा था, तो मैंने अपनी एप्लीकेशन वर्क परमिट के साथ लगाई। तो अब बारी आती है डॉक्यूमेंटेशन की। स्पाउसल पीआर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है। यहाँ पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने कागज़ों में शादी कर ली है सिर्फ पीआर के लिए। इसीलिए जब भी आपको अपनी एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, आपको सब कुछ बताना होता है कि आपका रिलेशनशिप कब शुरू हुआ, आप कहाँ मिले, आपके लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, आपकी फ़ोटोज़, आपकी शादी के पहले की फ़ोटोज़, आपकी शादी की फ़ोटोज़, आपकी शादी की बाद की फ़ोटोज़, आपका फ़्लाइट की टिकट्स, आपकी होटल बिल्स, सब कुछ, हर डिटेल। और हमारे केस में भी हमने सारी ही फ़ोटोज़ लगाई, हमने अपनी शादी से पहले की सारी फ़ोटोज़। और मेरे हस्बैंड को इस चीज़ का आइडिया था और हमने इस चीज़ का ध्यान रखा और हम हर जगह की फ़ोटो लेते रहे। और हालांकि हमें पता था, फिर भी हमें सारा कुछ कलेक्ट करने के लिए, सारी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए काफ़ी टाइम लग गया। और यहाँ जब आप इनलैंड एप्लीकेशन लगाते हैं, तो इनलैंड एप्लीकेशन में आपको ये भी प्रूफ करना पड़ता है कि आप एक साथ रह रहे हैं
और आप जिसका अपने स्पाउस का पीआर अप्लाई कर रहे हैं आप उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं. तो हमारे केस में सब डिटेल, आपके बैंक डिटेल्स, आपके साथ जैसे आपकी लीज कि आप दोनों एक साथ रह रहे हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल, हर इंफॉर्मेशन आपको लगानी पड़ती है अपनी एप्लीकेशन में. और इतना लंबा था, हर डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करने में ही हमें टाइम लग गया. मैं फरवरी एंड में लैंड हुई थी और हमने सब डॉक्यूमेंटेशन मई में रेडी करके हमने अपनी फाइल जून में लगा दी. एक्सप्रेस एंट्री की तरह स्पाउसल पीआर के डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट नहीं होते, आपको पेपर डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं. तो हमने भी एक बंडल बना के कुरियर करवाया था और फिजिकली डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई थी कुछ तकरीबन एक महीने में. और इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं और ऑन द फेस ऑफ इट आपकी एप्लीकेशन कम्प्लीट है. जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है वर्क परमिट की एप्लीकेशन में, तब आपका इम्प्लाइड स्टेटस माना जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि जब तक आपकी एप्लीकेशन का रिजल्ट नहीं आता आप कनाडा में लीगली स्टे कर सकते हैं. मेरे केस में सिंस मैंने स्पाउसल पीआर के साथ अपना वर्क परमिट लगाया था तो बहुत हाई चांसेस थे कि मुझे वर्क परमिट मिल जाएगा और मैं बहुत खुश थी कि मुझे अब अपने हस्बैंड को छोड़ के इंडिया नहीं जाना पड़ेगा. सो फाइनली मुझे सेप्टेम्बर में वर्क परमिट मिल गया और रिलीफ हुआ. हालांकि आपको अगर श्योरिटी भी हो कि हाँ हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ हो ना जाए. फाइनली रिलीफ मिला, लेकिन अगली टेंशन आगे खड़ी थी कि अब वर्क परमिट मिल गया, नौकरी भी ढूंढनी पड़ेगी. तो सेप्टेम्बर में मेरा वर्क परमिट शुरू हुआ और मैंने अपना जॉब ढूंढना स्टार्ट किया अक्टूबर में. अक्टूबर नवम्बर मैंने जॉब ढूंढा लेकिन मुझे जॉब नहीं मिला. और दिसंबर में यहाँ पे हायरिंग बहुत स्लो हो जाती है क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है, सब उस मोड में होता है. तो फाइनली मुझे जॉब जाके मिला जनवरी में. और जब जॉब शुरू हुआ टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा. और मेरी एप्लीकेशन को पीआर, स्पाउसल पीआर की एप्लीकेशन को लगे 7 महीने हो गए. तो फिर फाइनली फरवरी में मेरा मेडिकल आ गया और एक हफ्ते के अंदर ही हमने अपना मेडिकल बुक करवाया. और मेडिकल में जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं वो टेस्ट हुए, मेरा एक्सरे हुआ जो हमारे मेडिकल में यूजुअली टेस्ट होते हैं. और मेडिकल कहा जाता है कि मेडिकल होने के बहुत जल्दी ही आपका पीआर भी आ जाता है, लेकिन मेरे केस में मेरे डॉक्टर ने मेडिकल सबमिट करने में ही 2 हफ्ते लगा दिए. फाइनली मार्च एंड में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आ गया कि आपका पीआर अप्रूव हो गया है और उन्होंने मुझे लैंडिंग इंटरव्यू के लिए बुलाया. यूजुअली पीआर अप्रूव होने के बाद गवर्नमेंट पासपोर्ट रिक्वेस्ट करती है और आपके पासपोर्ट पे सिंगल एंट्री वीज़ा लग जाता है. तो अगर आप कंट्री के बाहर हैं तो जब आप कंट्री में लैंड करते हैं तब आप पीआर हो जाते हैं, लेकिन आप अगर ऑलरेडी कंट्री के अंदर हैं तो आपको कंट्री छोड़ के बाहर जाना पड़ता है या फिर आपको US बॉर्डर जाके फेक लैंडिंग करनी पड़ती है. लेकिन मेरे केस में ये सब कुछ मेरी लैंडिंग इंटरव्यू में ही हो गया. मेरी लैंडिंग इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि मुझसे पूछा गया कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आप कंट्री में कब आए, जनरल से सवाल पूछे गए. और सेम टाइम पे मेरे हस्बैंड से ये पूछा गया कि उन्हें एज अ स्पॉन्सर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है. तो ये इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने मुझे मेरा लैंडिंग डॉक्यूमेंट दे दिया और मैं उस दिन से पीआर बन गई. पीआर होते ही मैंने सबसे पहले काम किया, अपना हेल्थ कार्ड अप्लाई किया. हेल्थ कार्ड अप्लाई करने के लिए अगर आप पीआर हो तो आप हेल्थ कार्ड अप्लाई कर सकते हो और 3 महीने के अंदर ही आपको हेल्थ कार्ड मिल जाता है. लेकिन अगर आप वर्क परमिट पे हो और अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स जॉब करना पड़ता है तो आपको हेल्थ कार्ड मिलता है. तो अब पीआर हो गया, हेल्थ कार्ड अप्लाई हो गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ा जा रहा है, वो है सिटीजनशिप. लेकिन अभी उसको बहुत टाइम पड़ा है. तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, मेरी पीआर स्टोरी. आप लोगों को कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी इसका आंसर देने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.